नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 66वां जन्मदिन आज। गांधीनगर में मोदी ने माहिरा बेन से की मुलाकात, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। मुलायम कुनबे में सुलह के संकेत, शिवपाल को लौटाए जाएंगे सभी विभाग। आज समाजवादी पार्टी की हाई प्रोफाइल बैठक में लगेगी मुहर, अमर सिंह की किस्मत का भी फैसला संभव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एलजी ने दिल्ली लौटने का दिया आदेश। डेंगू चिकनगुनिया से बिगड़े हालात को देखते हुए लिया फैसला। बौखलाए कपिल मिश्रा ने कहा, शहर में ना फैलाएं दहशत। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी से वसूले जाएंगे विज्ञापन के 18 करोड़ 46 लाख रुपए। सरकारी पैसे से दिल्ली के बाहर पार्टी के प्रचार का आरोप। यूपी के बिजनौर में छेड़छाड़ को लेकर दो गुटों में भिड़ंत, फायरिंग में 4 लोगों की मौत, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। यूएन में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने पर बलोच नेता मेहरान मारी ने भारत का जताया आभार, कहा उनका देश भारत का शुक्रगुजार, पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में खेल रही है गंदा खेल। रियो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली शॉटपुट खिलाड़ी दीपा मलिक का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने की अगवानी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।